हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ कवर शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के और दिखा रही हूँ सोफे का कवर, बेड का जो बेडशीट होती है, और इसके अलावा एक जो बेडशीट टेबल होता है उसका कवर। तो ये बहुत ईजिली हम स्टिच कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है, दो फैब्रिक मैंने यहाँ पर लिया है, एक फैब्रिक यहाँ पर मैंने प्रिंटेड लिया है, तो दूसरा फैब्रिक मैंने प्लेन लिया है। दोनों फैब्रिक को मिक्स मैच करते हुए मैंने यहाँ पर दो फैब्रिक ले लिए हैं। यहाँ पर दो फैब्रिक जो मैंने लिए हैं वो तकरीबन 18 से 19 मीटर के करीब ये फैब्रिक है, बिकॉज़ यहाँ पर मैं सोफ़े का कवर भी बना रही हूँ, साथ बेडशीट भी बनाऊँगी और बेड साइड टेबल का कवर भी मैं बनाऊँगी। तो इतना फैब्रिक हमें यहाँ पर चाहिएगा। तो फर्स्ट हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे सोफ़े का कवर। इसके लिए हमें सोफ़े का मेज़रमेंट लेना है। आप चाहे तो पुराने कोई भी सोफ़े के कवर को रखकर उससे आप मेज़रमेंट ले सकते हैं, तो या फिर आप सोफ़े से डायरेक्ट इंच टेप से आप मेज़रमेंट ले लें। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी लंबाई चौड़ाई सोफ़े की थी उस हिसाब से मैंने मेज़रमेंट लिया और जो फैब्रिक सेम साइज़ में मैंने कट कर लिया है। यहाँ पर जैसे मैंने मेज़रमेंट लिया था, सेम एज इट हमें जो दूसरे फुल सोफ़े का कवर मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ऐसे ही जो छोटे वाले सोफ़े होते हैं उनका भी हमें सेम तरीके से ही मेज़रमेंट लेना है। और अगर आप पुराने सोफ़े के कवर से मेज़रमेंट ले रहे हैं तो आप कुछ इस तरीके से लेंगे। आप मेन फैब्रिक रखेंगे, उसके ऊपर कवर रखेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप कपड़ा ले लें क्योंकि ये हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो छोटे सोफ़े हैं उनके भी पीस कट कर लिए हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सारे पीस कट कर मैंने रख लिए हैं, अब इनको स्टिच कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर फ्रिल वाले सोफ़े के कवर बनाने जा रही हूँ, मीन्स मैं थोड़ी थोड़ी चुन्नटें यहाँ पर लगाने वाली हूँ। तो इसके लिए देखो आपको क्या करना है, आप ऐसे जो आपका मेन वाइट फैब्रिक है उसका मैंने चुन्नटें डाल ली है, थोड़ी थोड़ी मैंने चुन्नटें डाली है। आप चाहे तो डायरेक्ट जो सीट का फैब्रिक है उससे अटैच कर चुन्नटें डालें, या फिर आप सिंगल पहले फ्रिल डाल लें और उसको मेन फैब्रिक से अटैच कर दें। तो यहाँ पर जैसे मैंने फ्रिल डाल ली है, फ्रिल डालकर ये मेरा एक फैब्रिक रेडी हो गया। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, जो मेरा सीट का मैंने प्रिंटेड फैब्रिक यूज़ किया है उसके ऊपर हमें इस फैब्रिक को रखना है, और रख कर बस हमें इस पूरे को सिल देना है। तो यहाँ पर मैंने इसको सिल दिया है। तो अब इसके नीचे मैं लाइनिंग यूज़ कर रही हूँ, तो लाइनिंग के लिए बस हमें क्या करना है, फ्रिल को हमें अंदर की तरफ रखना है, सीधे दोनों पार्ट हमें अंदर की साइड रखना है, और इसके ऊपर हमें जो फैब्रिक होगा वो अटैच कर देना है, मीन्स जो लाइनिंग का कपड़ा आप यूज़ कर रहे हैं उसको अंदर की तरफ, उसको ऊपर रखना है, फ्रिल का पार्ट भी हमें अंदर रखना है, और मेन फैब्रिक अंदर की तरफ रखकर हमें सिल देना है। हमें थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर खुला रखना है क्योंकि वहीं से हम इसको सीधा कर निकालने वाले हैं। तो सिलने के बाद इसको मैं रिवर्स कर लूँगी, और रिवर्स करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे पास ये रेडी होकर आ जाएगा। तो ये जो मेन सोफ़े का जो बड़े वाला सोफ़ा है उसके सीट का कवर हमारे पास बन गया। अब यहाँ पर हमें इसको सिल देंगे, एक साइड में ओपन रखना होता है क्योंकि वहीं से हम इसको सीधा कर निकालेंगे। तो अब हमें छोटे वाले सोफ़े का भी कवर हम सेम इसी तरह रखेंगे, सिलेंगे, पहले मेन फैब्रिक रखेंगे, उसके ऊपर हम फ्रिल जोड़ देंगे। आप चाहे तो फ्रिल पहले बना लें और उसको अटैच कर दें, या फिर आप डायरेक्ट कवर के साथ फ्रिल को सिल दें। तो ये अब हमने फ्रिल इसकी अटैच कर दी है, अब हमें फ्रिल को अंदर की तरफ रख देना है, सीधा पार्ट अंदर रखना है, और इसके ऊपर हमें लाइनिंग का कपड़ा रख देना है, और इसको तीन साइड से हमें सिल देना है, एक साइड हमें ओपन रख देना है क्योंकि वहाँ से हम इस कवर को सीधा कर निकालेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा पार्ट छोड़ दिया था, अब यहाँ से हम इसको सीधा कर निकालेंगे, और इसके बाद हमें इसको भी सिल देना है। तो ये हमारे छोटे सोफ़े की सीट का कवर बनकर रेडी हो गया है। तो जो पार्ट हमने सीधा जहाँ से निकाला था उसको भी हम सिल देंगे। तो इसके बाद टेबल के लिए हमें इस कपड़े को सीधा रखना है, और दोनों साइड से 10-10 इंच के करीब हमें मार्क कर लेना है, और सेंटर में हमें एक बॉक्स बना लेना है। इसी बॉक्स के ऊपर हम ये जो प्रिंटेड फैब्रिक है ये अटैच कर लेंगे, जिससे हमारा जो प्लेन टेबल के ऊपर ये जो हमारे सोफ़े का प्रिंटेड डिज़ाइन हमने क्रिएट किया है वो हमारे टेबल के ऊपर भी ड्रॉ हो जाए और दिखने में अच्छा लगे। बस इसको हम स्टिच कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इसको उल्टा कर लेना है, और उल्टा करने के बाद हमें इसको स्टिच कर देना है। स्टिच कर लेने के बाद बस इसको हम इस पर हम सिलाई मार देंगे। पहले मैंने इस पर आलपिन का यूज़ कर लिया है, और अब मैं इनमें सिलाई मार दूँगी। सिलाई लगा देने के बाद बस हमें ये जो एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा आया है इसको हम कट कर निकाल देंगे।
तो इसको सिलाई कर ले, आलपिन लगा के मैंने इसको सेव कर लिया था। अब मैं इसको सिल दूंगी, सिल करने के बाद ये साइड के पार्ट को काट दूंगी। तो ये हमारा जो सोफे का फुल कवर है ये बनकर हमारा रेडी है। तो आप बताइएगा आपको ये कवर कैसा लगा है। अब तो अब इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बेडशीट का कवर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जिस भी बेड का आप कवर बनाने जा रहे हो आप पहले उसका मेज़रमेंट ले ले, और आप जो भी अगर आपके माइंड में कोई डिज़ाइन है तो आप वो डिज़ाइन अपने माइंड में सोच ले कि आप किस तरीके से उसे ड्रॉ करेंगे। अगर आप प्लेन बनाना चाह रहे हो तो आप सिंपल भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने मेज़रमेंट लेकर उस हिसाब से ही मैं अपने जो फैब्रिक जितना मुझे चाहिएगा मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं प्रिंटेड फैब्रिक को सेंटर में रखूँगी सिर्फ, तो मैं सेंटर में मार्क कर लिया। मैंने सब साइड से 10-10 इंचज़ के करीब फैब्रिक छोड़ दिया है, और फिर मैंने जो सेंटर में मुझे जितना फैब्रिक चाहिए था उतना मैंने कट कर लिया है। और इसके चारों तरफ मैं लगाने जा रही हूँ वाइट फैब्रिक। तो जो प्रिंटेड फैब्रिक है उसको मैंने सेंटर में रखा है, और इसके चारों तरफ मैं वाइट कलर का फैब्रिक अटैच कर दूंगी। सिंपल तरीके से बेडशीट मैंने बनाई है, सिर्फ मैंने सेंटर में एक डिज़ाइन रखा है और इसके चारों तरफ मैंने प्लेन वाइट कलर का फैब्रिक जोड़ दिया है। तो बस इसको अब मैं सिल दूंगी। इस बेडशीट में कुछ भी वक्त नहीं लगा, बहुत ही ईजी बेडशीट थी, आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। अब इस फैब्रिक के साथ मैंने दो पिलो कवर भी स्टिच कर लिए हैं। तो कुछ इस टाइप से हमारी बेडशीट बनकर रेडी है। आई होप आपको ये भी पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब इसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बेड साइड की टेबल होती है उस टेबल का कवर। बिकॉज मेरी ये जो बेड की टेबल थी ये काफ़ी पुरानी हो गई थी, तो ये अगर आप इस टाइप की टेबल अपने बेडरूम में रख रहे हैं तो ऐसे ये अच्छी नहीं लगेगी। तो इसके लिए आप कवर ज़रूर स्टिच कर लें। तो इस पर भी मैं कवर लगाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका भी मैं मेज़रमेंट ले लूँगी। तो यहाँ पर मेज़रमेंट ले लिया है, जितना मुझे लंबाई चौड़ाई अपने टेबल की मेरी थी उस हिसाब से मैंने मेज़रमेंट लिया और मैंने कट कर लिया। दो फैब्रिक मैंने कट किया है, एक मेन और एक लाइनिंग के लिए। अब इसके अंदर मैं फ्रिल लगाऊंगी। फ्रिल का मेथड सेम एज इट इज़ ही है। अब हम क्या करेंगे, पहले मेन फैब्रिक रखेंगे, उसके नीचे लाइनिंग यूज़ करेंगे। लाइनिंग यूज़ करने के बाद हमें फ्रिल भी अटैच करनी है। तो फ्रिल हम कुछ इस तरीके से अटैच कर लेंगे। सबसे पहले मैं फैब्रिक के ऊपर फ्रिल अटैच कर रही हूँ, जो कि आप चाहे तो चारों तरफ कर सकते हैं। अगर आप टेबल को दीवार की तरफ लगा रहे हैं तो आप फ्रंट में और साइड में फ्रिल डाल सकते हैं, पीछे की तरफ रहने दे सकते हैं, और अगर आप चाहे तो चारों तरफ फ्रिल जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रिल लगा लिया। अब इसके बाद बस हम लाइनिंग का कपड़ा लगा लेंगे, जो फ्रिल हम अंदर की तरफ कर देंगे और हम इसको चारों तरफ से सिलेंगे, लेकिन हम 5 या 3, 4 या 5 इंचेस के करीब कपड़े को छोड़ देंगे, क्योंकि वहीं से हम अपने इस फैब्रिक को रिवर्स कर निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं अब फ्रिल डाल दी है, अब इसके बाद मैं इसके नीचे लाइनिंग लगा रही हूँ। तो ये लाइनिंग मैंने जोड़ दी है, और चलिए ये मैंने एक पार्ट छोड़ दिया था साइड का, तो वहाँ से मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको पीछे की तरफ मैंने फ्रिल नहीं लगाई, मैंने सिर्फ 3 तरफ फ्रिल अटैच की है। तो कुछ इस टाइप से हमारा ये टेबल का कवर बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर
पर नीचे की तरफ मैंने एक लेस का यूज़ किया है जिससे थोड़ा और सुंदर लग रहा है। और इसके साथ मैंने दो कुशन कवर भी इसके रेडी कर लिए ताकि इस टेबल के ऊपर मैं कुशन भी बहुत ईजिली रख सकूं और दिखने में ये अच्छा भी लगे। तो यहाँ पर जो मैंने कुशन बनाए हैं वो भी मैंने फ्रिल के ही बनाए हैं, फ्रिल के कुशन कवर मैंने यहाँ पर रेडी किए हैं जो इसके साथ बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ तीन कवर शेयर किए हैं, जो कि है एक फुल सोफे का कवर, एक बेडशीट कवर एंड एक बेड कवर और एक बेड साइड टेबल का कवर। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।